दोस्तों, हमारी धरती अजीबोगरीब मिस्ट्री से भरी हुई है। बरमूडा ट्रायंगल से लेकर अंडरवाटर रिवर तक इस धरती में कई ऐसे जगह मौजूद हैं जिसको सिर्फ समझने के लिए बड़े बड़े साइंटिस्ट माथापच्ची कर रहे हैं। आज आप ऐसी मिस्टीरियस प्लेसेस के बारे में जानेंगे जिनका आखिर वजूद कैसे हुआ। ये वाकई एक पहेली है, तो आइए शुरू करते हैं। तुर्कमेनिस्तान के आलिशान काराकोरम शहर के बिल्कुल सेंटर में, जहां ऑलरेडी इतनी ज्यादा गर्मी बरसती है, जमीन में 100 फुट गहरा एक ऐसा गड्ढा है जहां 24 घंटा आग लगी रहती है। ये गड्ढा दरवाजा गेस्ट कैरेक्टर के नाम से जाना जाता है, जो 17,500 स्क्वायर फुट तक फैला हुआ है। चाहे बारिश हो या तूफान, यह आग पिछले 50 सालों से ऐसे ही जल रही है। लेकिन सवाल यह है कि यह आग यहाँ जलाई किसने? 1971 में एक सोवियत जियोलॉजिस्ट यहाँ ड्रिलिंग का काम कर रहा था कि अचानक उनके नीचे जमीन खिसक गई और तभी यह गड्ढा बन गया था। लेकिन उनको यहाँ से अजीब सी स्मेल आने लगी। जब जांच हुई तो पता चला कि इस गड्ढे से नेचुरल मीथेन गैस निकल रही है, क्योंकि मीथेन गैस डेंजरस होती है। इसी वजह से काफी कोशिश की गई कि जमीन से निकलने वाली इस गैस को रोक लिया जाए, लेकिन सारी कोशिशें नाकाम रही। आखिरकार माहौल को बचाने के लिए इस गैस को आग लगा दी गई। बस वो दिन और आज का दिन, ये आग आज भी ऐसे ही नॉनस्टॉप जल रही है। 2. यह अजीबोगरीब पहाड़ देखकर ऐसा लगता है जैसे पानी नहीं बल्कि बादलों के बीच में आइलैंड बना हो। ये माउंट रोराइमा के नाम से जाना जाता है, जिसकी हाइट 2,810 मीटर्स है। दूसरे पहाड़ों के कंपोजिशन में माउंट रोराइमा का टॉप बिल्कुल फ्लैट है और यहाँ का वाटरफॉल दुनिया का दूसरा ऊंचा वाटरफॉल कहा जाता है। नेशनल जियोग्राफी की एक टीम के मुताबिक यह माउंटेन 2 बिलियन ईयर से भी ज्यादा पुराना है और यहाँ पिछले लाखों सालों से कभी कोई इंसान नहीं जा पाया। यानी ये माउंटेन दुनिया से बिल्कुल कटा हुआ है। 1984 में ही पहली बार सर एवेराद ने रिसर्च किया था और तभी दुनिया को मालूम पड़ा कि ये ऊंचा तरीन पहाड़ ऊपर से बिल्कुल फ्लैट है। लेकिन रिसर्चर्स के लिए ये बात हैरान कर देने वाली थी जब उन्होंने देखा कि इस माउंटेन पर हर किस्म की जिंदगी पाई जाती है। रिसर्चर्स को यहाँ से जानवरों, प्लांट्स की ऐसी किस्में भी मिली हैं जो इन्होंने पहली बार देखी थी। माउंट रोराइमा पर मौजूद 53% स्पीशीज ऐसी थी जो आज तक सिर्फ इसी अजीब पहाड़ पर देखी गई। 3. नासा की सैटेलाइट ने इंडियन ओशन की एक ऐसी पिक्चर पब्लिश की जिसमें पानी के अंदर कुछ ऑब्जेक्ट्स देखे गए जो इंडिया और श्रीलंका को आपस में कनेक्ट कर रहे थे। लोकल्स का मानना है कि ये जो ब्रिज हिंदू गॉड रामा ने बनाया था, जो मैजिक ब्रिज के नाम से भी जाना जाता है, ये माना जाता है कि हिंदू गॉड राम ने जिन पत्थरों से ये ब्रिज बनाया था वो पानी पर तैरने वाले पत्थर थे। और ऐसे कई पत्थर आज भी इस एरिया में पाए जाते हैं। 48 किलोमीटर लंबे इस ब्रिज का काफी हिस्सा अभी पानी के अंदर जा चुका है। साइंटिस्ट ने जब जांच की तो मालूम पड़ा कि ब्रिज को बनाने में इस्तेमाल होने वाले पत्थर जिस चीज पर रखे गए हैं वो एक सैंड बार है। उनको इस बात के काफी सबूत मिल चुके हैं कि ये सैंड बार तो बिल्कुल नेचुरल है, लेकिन इस पर रखे गए पत्थर जरूर कहीं और से लाए गए थे। जब सैंड बार और उन पत्थरों की एज मालूम करने के लिए रेडियो कार्बन डेटिंग की गई, जो मालूम पड़ा वो जानकर एक्सपर्ट्स भी चौंक गए। जी हाँ, उनको मालूम पड़ा कि ये पत्थर 7,000 साल पुराने हैं, जबकि उनके नीचे सैंड बार की एज सिर्फ 4,000 साल है। तो आखिर ये पत्थर यहाँ आए कैसे? ये साइंस के लिए बहुत बड़ी मिस्ट्री है। 4. कभी आपने किसी पहाड़ को हिलते या फिर उसको अपनी जगह बदलते हुए देखा है? क्या ऐसा मुमकिन हो सकता है? तंजानिया में निंगोरोंगोरो कोसर्वेशन एरिया में मौजूद ये है एक ऐसी अजीबोगरीब पहाड़ जो हर साल 66 फीट तक अपनी जगह बदल देता है। यानी जिस जगह पे वो अभी मौजूद है, अगले साल ये यहाँ से 20 मीटर आगे या पीछे मूव कर जाएगा, और वो भी बिल्कुल नेचुरल। अगर इस पहाड़ से थोड़ी सैंड लेकर उसको अपने घर में भी रख लिया जाए तब भी वो ऐसी ही मूव करेगी। और इस बात की गवाही खुद तंजानिया की फॉर्मर प्रेसिडेंट जकाया किकवेते ने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी थी। साइंटिस्ट ने इस मिस्टीरियस पहाड़ के मूव करने की वजह जानने के लिए कई एक्सपेरिमेंट्स की और ये पता लगाया कि इसकी सैंड हिल कम से कम 30 लाख साल पुरानी है और ये तब से ऐसी ही अपनी पोजीशन चेंज करती आ रही है।
एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये सैंड हिल वॉल्केनो से निकलने वाली ऐश है और इसी वजह से ये मैग्नेट की तरह काम करती है। अगर थोड़ी सैंड हवा में फेंक दी जाए तो हवा में फैलने के बजाय एक दूसरे से चिपकी रहती है। लेकिन ये सैंड हिल अपनी जगह क्यों बदलती है, इसका असल जवाब अभी तक तलाश किया जा रहा है। 5. यह बात तो हम सब जानते हैं कि इस धरती पर 29% जमीन है और 71% पानी। वर्ल्ड मैप में अगर देखा जाए तो पूरी दुनिया के समंदर आपस में जुड़े हुए लगते हैं। ऐसा लगता है जैसे हमने सिर्फ इनको अलग अलग नाम दिए हैं, जबकि ये सारे आपस में जुड़े हुए हैं। लेकिन अटलांटिका ओशन और पैसिफिक ओशन के बीच से गुजरा जाए तो समंदर के बीचों बीच एक हैरान कर देने वाला नजारा आपको देखने को मिलता है। समंदर के इस मुकाम पर कोई दीवार या बाउंड्री तो नहीं है, लेकिन फिर भी दोनों समंदर के पानी आपस में मिक्स नहीं होते। लेकिन आखिर क्यों, इन दोनों पानी में आखिर ऐसा क्या राज है कि समंदर की लहरों के बावजूद भी आपस में मिक्स नहीं होते। असल में दोनों समंदर की पानी अलग अलग जगह से बहते हैं और इसी वजह से इन दोनों समंदर के पानी की क्वालिटी भी अलग है और इनका सॉल्ट लेवल भी अलग है। आपने भी स्कूल में पढ़ा होगा कि जिस पानी में सॉल्ट ज़्यादा होता है वो नॉर्मल पानी से ज़्यादा हैवी होता है। ऐसा ही कुछ होता है इन दोनों समंदरों में भी। सॉल्ट के साथ साथ इनकी केमिकल कंपोजिशन भी अलग है और यही रीज़न है कि ये दोनों समंदर बिना किसी बाउंड्री के एक दूसरे में मिक्स नहीं होते। 6. इंडोनेशिया में एक आइलैंड है जो फ्लोरेस के नाम से जाना जाता है। इस आइलैंड के हरे भरे पहाड़ों में 3 अनोखी लेक्स मौजूद हैं। हालांकि ये तीनों लेक्स एक साथ बनी हुई हैं, लेकिन इन तीनों लेक्स के कलर बिल्कुल डिफरेंट हैं। एक का कलर ब्लैक है, दूसरी का टर्क्विस और तीसरे का ब्लू। लेकिन इसमें हैरत की बात सिर्फ इनके कलर्स नहीं है, हैरान करने वाली बात यह है कि ये तीनों लेक अपने कलर बदलते रहती है। जी हाँ, कभी एक साल में ये 6 बार अपना रंग बदलती है तो कभी साल में सिर्फ एक बार। लेकिन हिस्ट्री में कभी भी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा नहीं देखा गया। जहाँ लेक्स में मौजूद हैं वो जगह केलिमुतु नेशनल पार्क के नाम से मशहूर है और पार्क के ऑफिशियल्स का कहना है कि इन तीनों लेक्स के नीचे एक्टिव वॉल्केनो मौजूद है जिनकी वजह से ये लेक्स केमिकल रिएक्शन का शिकार होती रहती है। वॉल्केनो की वजह से जो गैसें निकलती है वो ही शायद इन लेक्स के पानी के साथ मिलकर केमिकल रिएक्शन करती हैं और इनका कलर चेंज हो जाता है। लेकिन कभी इन तीनों लेक्स का कलर एक जैसा क्यों नहीं हुआ, यह अभी तक एक मिस्ट्री है। 7. इंडिया के मणिपुर स्टेट में 287 स्क्वायर किलोमीटर बड़ी एक फ्रेश वाटर लेक है जो लोक तक लेक के नाम से जानी जाती है। दुनिया में सिर्फ एक फ्लोटिंग नेशनल पार्क है और वो इसी लोक तक लेक में मौजूद है जिसे हम केबुल लामजो नेशनल पार्क कहते हैं। हम लेक में हजारों छोटे बड़े फ्लोटिंग आइलैंड्स मौजूद हैं जिनमें से कई नेचुरल रिंग शेप के हैं। इन आइलैंड्स में कई बार आबादी भी बसती है और एक आइलैंड पर एक छोटा स्कूल भी खुला हुआ है। ये आइलैंड्स बायोमास के एक ऐसे टुकड़े हैं जो हर वक्त पानी के ऊपर ही फ्लोट करते रहते हैं। मजे की बात तो ये है कि यहाँ रहने वाले लोग भी हर वक्त खुद को हिलता हुआ महसूस करते हैं। इस फ्लोटिंग आइलैंड में हिरन की एक ऐसी ही किस्म भी रहती है जिसको संगाई कहा जाता है। संगाई पूरी दुनिया से खत्म हो चुके थे लेकिन बाद में मालूम पड़ा कि इस फ्लोटिंग आइलैंड पर इनकी नस्ल अभी मौजूद है।